अगली बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल की एक सभा में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूं 7 दिनों के अंदर केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीए कानून लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये दावा किया कि सीएए लागू होने वाला है। आज के राम मंदिर उद्घाटन हुए छे, आगामी एक सप्ताह मध्य भारतवर्षे सीए लागू हबे ये गारंटी हमरा आज के मंच थेके दिए गेलाम। आगामी एक सप्ताह मध्य भारतवर्ष पश्चिम बंग सह भारतवर्षेर प्रत्येक स्टेटे सीए लागू हबे एवं सेटा आपनारा देखबेन। आज के सेई गारंटी ये मंच थेके दिए जाच्छी। इस वक्त की बड़ी खबर सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा, एक सप्ताह के अंदर पूरे देश में सीए लागू होगा। अब इस बयान के पीछे आधार क्या है, जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, ये आधार क्या है, इतना बड़ा बयान वो भी पब्लिक स्पीकिंग में उन्होंने दिया है? देखिए, आधार के हिसाब से मीनाक्षी बात करें तो आधार ही आधार है। आधार इस लिहाज से कि 2019 के दिसंबर में जो कानून बन गया हो, उस कानून का नियम का नोटिफिकेशन अगर अब तक लागू नहीं हुआ तो आप समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा विलंब ऑलरेडी हो चुका है। 8 बार उसकी तारीखें बढ़ाई गई हैं नियम नोटिफिकेशन की, क्योंकि कानून बनने के बाद नियम को नोटिफाई करना होता है तभी कोई कानून लागू होता है, और उसके लिए 8 बार तारीख बढ़ाई गई थी जनवरी महीने में ही। और इंडिया टीवी ने इस बात को रिपोर्ट भी किया था कि सीए का कानून, सीए का नियम, कानून बनने के बाद जो नियम था वो नियम बनकर तैयार है। पोर्टल उसके लिए जो तैयार करना था वो पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, और उसमें मोबाइल नंबर के मार्फत आप आवेदन दे सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, और उस लिहाज से कि आप इसको कब लागू करना चाहते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब कानून बना तो खासतौर पर असम और त्रिपुरा में बहुत ज्यादा बवाल हुआ। इसके अलावा देश के दूसरे कई हिस्सों में भ्रम फैलाकर बवाल पैदा करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद बहुत सारी चीजें सरकार के स्तर से बार बार साफ की गई हैं। अब पूरी तरह से नियम को बनाकर तैयार कर लिया गया है, और जो सोर्सेज हैं वो पहले से ये इंडिकेट कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले सीए के नियम को नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि सीए का कानून उसके बाद प्रभावी तौर पर लागू हो जाएगा, जो कि 2019 दिसंबर से इस बात का इंतजार किया जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री क्योंकि बंगाल से आते हैं, और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि बंगाल, असम और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों के लिहाज से विशेष प्रभाव माना जा रहा है इस कानून का। वहां के अगर नेता और जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि इसकी गंभीरता कितनी ज्यादा होगी। इससे ज्यादा बात कि गृह मंत्रालय के टॉप सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं, और जनवरी महीने में उन्होंने बताया था कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है और पोर्टल तक बनकर तैयार किया जा चुका है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।